मुंबई एयरपोर्ट पर क्या हुआ, यात्रियों को क्यों हुई परेशानी, एयरपोर्ट सर्विसेज क्यों पड़ी ठप। गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट का सर्वर डाउन होने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम ठप हो गए, जिसकी वजह से सभी एयरलाइंस के चेक इन डिस्टर्ब रहे। इससे पैदा हुई असुविधा की वजह से यात्रियों को खासी परेशानी हुई, जिसके बाद कई यात्रियों ने ट्विटर पर इसकी शिकायत भी की। हालांकि इस समस्या के पैदा होने के बाद उसे ठीक करने के लिए तेजी से काम किया गया। इसमें करीब 40 मिनट का वक्त लग गया। टेक्नीशियंस की टीम ने तेजी दिखाते हुए सर्वर को ठीक तो किया, लेकिन इसकी वजह से इस बेहद व्यस्त रहने वाले हवाई अड्डे पर एक तरह से सब कुछ थमा हुआ सा दिखाई दिया। सर्वर फेल होने की वजह से यहां पर परिचालन भी बाधित रहा। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का काफी बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सिस्टम के डाउन होने की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी देखी गईं। ये सभी यात्री अपने चेक इन के इंतजार में काफी देर से खड़े थे। इस संबंध में मिल रही जानकारी के अनुसार मुंबई एयरपोर्ट पर CITA सिस्टम डाउन हुआ था। मुंबई एयरपोर्ट पर सारा काम CITA से ही होता है, इसी से एयरपोर्ट का सर्वर चलता है। सिस्टम के डाउन होने की वजह से यात्रियों के साथ साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों की भी दिक्कत बढ़ गई थी। आपको बता दें कि जिस टर्मिनल पर सिस्टम डाउन होने की सूचना मिली थी वह छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दो टर्मिनल्स में से एक है। सिस्टम के डाउन होने को लेकर एयर इंडिया ने भी एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में एयर इंडिया ने लिखा कि हम समझ सकते हैं कि इस देरी से यात्रियों की दिक्कतें कितनी बढ़ गई हैं। हमारी टीम इसे जल्दी से जल्दी ठीक करने के काम में लगी हुई है। हम जल्दी ही संबंध में आपसे संपर्क करेंगे। इस बीच यात्रियों में किसी भी तरह की नाराजगी पनपने या अराजकता की संभावित स्थिति को देखते हुए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF ने भी मोर्चा संभाला। CISF की ओर से कहा गया कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्वर डाउन होने की वजह से भीड़ सामान्य दिनों से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। भीड़ को अच्छी तरह से मैनेज किया जा रहा है और कोई अराजकता नहीं है, क्योंकि मैनुअल पास जारी किए जा रहे हैं। लगभग 40 मिनट तक खराब रहे सर्वर को ठीक कर लिया गया, जिसके बाद सेवाएं सामान्य रूप से शुरू कर दी गईं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।